नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरमीत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सोल बैकर। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो ऑप्टिमा CX या डुअल बैटरी के बारे में। जी हाँ, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं इसकी मोटर के बारे में, बैटरी के बारे में, राइड के बारे में, हैंडलिंग के बारे में, सस्पेंशन के बारे में, इसके रेंज के बारे में। जी हाँ, मैंने इस गाड़ी को 200 किलोमीटर से ज़्यादा चला के टेस्ट किया है हर कंडीशन में, हर रोड कंडीशन में, हाईवे पे, सिटी में, थोड़े बहुत ख़राब रास्ते में। इस लोकेशन पे मैं आता हूँ तो ख़राब रास्ते पे मुझे चलाना पड़ता है, तो हर तरह के रोड कंडीशन मैंने टेस्ट किया, उसके बाद ये वीडियो आ रहा है। जी हाँ, रिव्यू वीडियो मैं बिना चलाए नहीं करता हूँ। जी हाँ, अगर किसी को लगता है कि मैं सिर्फ यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। चलाने के बाद मैं चीज़ें नोट करता हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ जो है शेयर करता हूँ। तो ऐसा नहीं है, आप मैंने आप जो है रेंज टेस्ट वीडियो भी डाल दिया होगा अब तक, तो आप जो है रेंज टेस्ट वीडियो इसका देख सकते हो, आपको वहाँ पता लग जाएगा इसकी रेंज कितनी है। वैसे इस वीडियो में भी मैं आपको जो है रेंज के बारे में बताने वाला हूँ। बात करेंगे कि इसकी जो बैटरी है, दो बैटरी इसके अंदर आती है दोस्तों, वो दोनों बैटरियाँ कितना बिजली खाती हैं टोटल, मतलब फुल चार्ज होने में कितनी बिजली खा जाती हैं, कितना टाइम लगता है, वो भी मैंने टेस्ट किया दोस्तों। बने रहिएगा वीडियो में, लास्ट तक आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ इस गाड़ी से रिलेटेड। तो दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में डिटेल में। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हुआ तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको जो है अपडेट मिलते रहते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इस गाड़ी की मोटर के बारे में। मोटर के बारे में आपको बताया था दोस्तों, इसमें आपको जो मोटर मिलती है, हब मोटर मिलती है, ये जो है 550 वोल्ट की हब मोटर है, और जो कि काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट हम इसे कह सकते हैं, रेंज एफिशिएंट कह सकते हैं, क्योंकि यार पावर जो है काफ़ी कम निकालती है। 1.2 किलोवाट का जो है ये पावर जनरेट करती है, पीक पावर जनरेट करती है, जो कि यार जो इसकी यूटिलिटी है काफ़ी बढ़िया हो जाती है सिटी एरिया के अंदर। तो मोटर के बारे में बस यही कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी छोटी है और हाँ पावर भी कम जनरेट करती है, 1.2 किलोवाट का पीक पावर जनरेट करती है। दोस्तों बात करते हैं इस गाड़ी की बैटरी के बारे में। इसमें आपको बैटरी मिलती है 51.2 वोल्ट की। जी हाँ, इसमें आपको 72 वोल्ट की भी नहीं मिलती है, 60 की भी नहीं मिलती है, 48 की भी नहीं मिलती है। हीरो वाले यूज़ करते हैं 51.2 वोल्ट की। इसमें आपको जो चला रहा हूँ मैं वारंटी है, दो बैटरी वाला वारंटी है, CX ER डुअल बैटरी में आता है, और दोनों जो बैटरियाँ हैं 30-30 एच की, तो 60 एच हो जाता है दोस्तों, काफ़ी बड़ी जो है बैटरी हो जाती है, काफ़ी बढ़िया जो है इसमें आपको रेंज भी देखने को मिलती है। रेंज के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं स्पीड के बारे में, क्योंकि ये जो मोटर है आपको 1.2 किलोवाट का पीक पावर जनरेट करती है, ये जो स्पीड इसमें दिखाता है ना, एकदम खड़ी कंडीशन में चलाएंगे, अभी मैं स्टैंड पे खड़ी करके मैं चलाऊंगा तो 54 दिखाएगा। बात करें अगर हम के यार रनिंग कंडीशन में लोड में बैठा हूं तो डिस्प्ले में क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा 48 तक दिखाएगा। बात करें एक्चुअल स्पीड की, क्या गूगल मैप कितना दिखाता है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है दोस्तों, स्पीड टेस्ट भी किया इसका एक्चुअल में, आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इसका जो गूगल मैप पे स्पीड आता है जब मैं थ्रॉटल कर देता हूँ तो आता है 42-43 किलोमीटर पर आवर का जो है टॉप स्पीड आती है। पुलिया से उतरते वक्त जो चीजें चेंज हो जाती है, लेकिन फ्लैट सरफेस पे हम चेक करें तो 42-43 की स्पीड जो है आपको देखने को मिलती है। स्क्रीनशॉट में गूगल मैप का यहाँ पे डाल दूंगा, आप जो इसके एक्चुअल स्पीड जो है देख सकते हो। दोस्तों बात करते हैं इस गाड़ी के डिजाइन के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रंट से जो है थोड़ा सा आपको पेट्रोल लुक जैसा लगेगा, मतलब सिमिलर है, ऐसा कोई और डिजाइन नहीं है जैसा कि ओला में आता है, तो आपको जो लुकिंग जो है ना पेट्रोल स्कूटर से सिमिलर लगेगी। तो वैसे तो लुक जो है, लुक और डिजाइन पर्सनल चॉइस होती है, आपको पसंद आती है नहीं आती, लेकिन आपको थोड़ा फेमिलियर जो है लगेगा, ऐसा ही लगेगा कि आप कुछ अलग चला रहे हो। तो जो है डिजाइन काफी फेमिलियर है पेट्रोल वाले स्कूटर से, और मुझे डिसेंट लगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यार पसंद नहीं आने वाली चीजें नहीं है, लेकिन अगर आपको ये पसंद नहीं है तो देखो क्या कर सकते हैं, डिजाइन के मामले में यार एक पर्सनल चॉइस हो जाती है। आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज़्यादा ऐसा कुछ डिज़ाइन एलिमेंट भी नहीं, ज़्यादा स्टिकरिंग भी यूज़ नहीं की गई, हल्की फुल्की जो है यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो ये येलो लाइन वगैरह यूज़ की गई है, पीछे तक जो है ये यूज़ किया गया है, जो कि अच्छी लग रही है। जो इंडिकेटर हैं थोड़े से बाहर से निकले हुए हैं, जो थोड़े से अलग लग रहे हैं मुझे, आप कमेंट करके बताएगा आपको जो है ये कैसा लग रहा है इसका डिज़ाइन। बाकी मडगार्ड वगैरह फ्रंट का काफ़ी बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे भी जो है काफ़ी बढ़िया आपको डिज़ाइन मिल जाती है। तो दोस्तों डिज़ाइन के बारे में कैसी लग रही है कमेंट जरूर कीजिएगा आप। तो दोस्तों बात करते हैं हीरो ऑप्टिमा CX ER डुअल बैटरी की राइड एंड हैंडलिंग के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो हल्के फुल्के ख़राब रोड हैं हमारे यहाँ पे, पैचेस बने हुए हैं बेसिकली, तो इन हल्के फुल्के जो पैच हैं, जैसे कि यहाँ पे गड्ढा हल्का सा, तो इनमें जो है ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है इसका सस्पेंशन, जो है इतना ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, मीडियम है। थोड़ा सा वो क्वालिटी वाली बात होती है ना, जैसे कि बाउंस में जो क्वालिटी फील होती है उस क्वालिटी का नहीं है, लेकिन हाँ आपका जो काम है चला देगा, जिस काम के लिए बनी है ना सिटी में चलने के लिए, वो काम ये करती है बॉस। दोस्तों सिटी ट्रैफिक के अंदर जो मनूवरिंग है इजीली हो जाती है, हैंडल जो है काफ़ी लाइट फील होता है, पूरी गाड़ी जो है काफ़ी लाइट फील होती है, एक्चुअली ज़्यादा भारी गाड़ी नहीं है ये, हल्की फुल्की गाड़ी, इस वजह से इसकी जो रेंज है वो भी काफ़ी अच्छी निकल के आती है। सिटी लाइफ के अंदर ओवरटेक कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो अगर सामने वाला धीरे चल रहा है, क्योंकि इसकी जो टॉप स्पीड है वो काफ़ी कम है, 42-43 की स्पीड है एक्चुअल में।
तो सिटी में चलाने के लिए काफ़ी बढ़िया है। अगर आपका छोटा शहर है इस तरह का, जैसे हम टोंक में रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाइक को भी ओवरटेक कर सकते हो। तो सिटी के लिए काफ़ी बढ़िया जो है राइड एंड हैंडलिंग ये ऑफर करता है, राइड एक्सपीरियंस भी आपका सिटी के अंदर काफ़ी अच्छा हो जाता है। हाईवे के लिए मैं कहूँगा कि रिकमेंडेबल नहीं है ये गाड़ी, क्योंकि यार स्पीड काफ़ी कम मिलती है। तो सिटी के लिए राइड एंड हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, सिटी में एक्सपीरियंस इसका अच्छा है। सिटी में दोस्तों अगर आप इसका हॉर्न वगैरह यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप जो है कर सकते हो, हॉर्न की आवाज़ भी जो है डिसेंट आपको मिल जाती है। अब देखो एक चीज़ है बस, ये जो रीच है ना इंडिकेटर की, वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। जैसे कि आप देख सकते हो रीच जो है मैं नहीं कर पा रहा हूँ इधर की तरफ, तो रीच में क्या इशू है, और यहाँ हेडलैम्प का जो बटन है उस पर रीच का भी जो इशू है, तो ये चीज़ जो है आपको अगर रात को चल रहे हो एक बार ही काम आता है वैसे तो, लेकिन फिर भी रीच सही होनी चाहिए। इंडिकेटर तो बार बार काम आते रहते हैं, तो इंडिकेटर रीच में दिक्कत आती है इसके अंदर। तो ये तो हो गया दोस्तों कुछ राइड एंड हैंडलिंग की बातें। दोस्तों बात की जाए इस गाड़ी की ब्रेकिंग के बारे में, और ब्रेकिंग में जिस जो स्पीड इसके अंदर दी गई है ना उस हिसाब से काफ़ी सही है। ड्रम ब्रेक है इसमें, बेसिकली डिस्क ब्रेक तो आते नहीं है, तो जो स्पीड पे ये चलती है ना 40 की स्पीड पे, और जैसे कि अभी ट्रैफिक है अभी तो और भी कम चल रही है, 15-20 की स्पीड पे चल रही है, तो उसको जो लिमिट करने के लिए काफ़ी अच्छे जो हैं ब्रेक दिए गए हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ड्रम ब्रेक में, क्योंकि यार 40 की स्पीड में क्या करेंगे डिस्क ब्रेक लगा के, करना क्या है। ये जो ड्रम ब्रेक है उनकी बाइट भी आपको सही मिल जाती है, और फिर ड्रम ब्रेक होने से क्या होता है जो मेंटेनेंस होता है ओवरऑल वो भी चीप हो जाता है, क्योंकि यार आप डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी लोगे तो आपको जो है डिस्क पैड वगैरह चेंज कराने पड़ेंगे, मिट्टी चल जाती है, आवाज़ आने लग जाती है, वो सारी बातें हैं। तो 40 की स्पीड में डिस्क ब्रेक की ज़रूरत वैसे भी नहीं होती है, 40-45 की स्पीड में डिस्क ब्रेक की इतनी नीड नहीं है। 60 के आसपास जाते हैं ना अपन तो डिस्क ब्रेक ज़रूरी हो जाता है, तो और 55 से ऊपर की गाड़ियों में ज़रूरी है, 50-55 के ऊपर ज़रूरी है, 40 तक तो इतना डिस्क ब्रेक मुझे लगता नहीं इंपॉर्टेंट है। बाकी ब्रेकिंग जो है डिसेंट आपको मिल जाती है, जैसे ब्रेक लगा के देखें हम आपको डिसेंट ब्रेकिंग जो है मिल जाती है, सही लगा स्पीड के हिसाब से बढ़िया है। राइड क्वालिटी में आपको हेल्प करते हैं 12 इंच के व्हील, जी हाँ छोटे मोटे खड्डे होते हैं ना उनमें जो है 12 इंच का व्हील काफ़ी सही वर्क करता है, मुझे काफ़ी सही लगा ये। अगर इसमें 12 इंच का व्हील नहीं होता ना तो और भी दिक्कत हो जाती है, वो आपको कौन सेक्शन में बताऊंगा कि इसमें क्या और जो है सोल्यूशन होना चाहिए था। तो इसमें जो 12 इंच का व्हील है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो राइड क्वालिटी और सस्पेंशन को जो है काफ़ी अच्छा कर देता है 12 इंच का व्हील। मुझे राइड क्वालिटी और सस्पेंशन के मामले में ये स्कूटर जो है ठीक लगा, डिसेंट लगा है, और बजट में आने वाला स्कूटर है, यूटिलिटी के हिसाब से बनाया गया है इसको, पावर के हिसाब से परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं बनाया गया है, तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी डिसेंट लगे इसके सस्पेंशन, ख़राब नहीं कह सकते हम। ओवर द टाइम किस तरह से यूज़ होते हैं आप वो जो है कमेंट करके बताएगा, आप अगर यूज़र हैं इसके लंबे टाइम से, वैसे काफ़ी टाइम से ये गाड़ी जो है मार्केट में है तो ऑब्वियसली काफ़ी यूज़र्स होंगे, तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा आपके जो है सस्पेंशन के साथ राइड के साथ कैसा है, आवाज़ें वगैरह आती नहीं आती हैं, हल्की फुल्की आवाज़ जो है पीछे से कहीं से आ रही थी लेकिन वो बैटरी की थी क्योंकि मैंने स्ट्रेप जो है नहीं लगाया हुआ था, और काफ़ी सारा मामला जो है वहाँ पर खुला हुआ भी रखा हुआ मैंने। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको जो है इस गाड़ी में से कहाँ कहाँ से किस तरह की आवाज़ आती है, सस्पेंशन से आवाज़ आती है या नहीं, या फिर किसी और जगह से आवाज़ आती है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं हेडलैम्प के इल्यूमिनेशन के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो अभी मैं जो है काफ़ी अंधेरे वाले एरिया में हो रही है, लो बीम है, तो लो बीम जो है काफ़ी इफेक्टिव है इस स्पीड की अगर हम बात करें, 20-25 की स्पीड जो सिटी में हमें जो नॉर्मल छोटे शहर होते हैं यहाँ चलने के लिए काफ़ी होती है। अभी जो रोड खुला हुआ है हाई बीम में यूज़ करो तो काफ़ी अच्छा स्प्रेड होता है, मुझे इस गाड़ी की हाई बीम जो है ना ऐसे रोड पर चलने के लिए काफ़ी अच्छी लग रही है, तो मुझे लग रहा है क्योंकि एक्चुअली अभी मैं एक्शन के वजह से यूज़ कर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो इसमें फिर भी लाइट जो है ना कम रिकॉर्ड होती है, यही चीज़ मैं फ़ोन में रिकॉर्ड करूँगा ना तो ज़्यादा जो है इल्यूमिनेशन को पकड़ेगा, लेकिन आपको हो सकता है कम दिख रहा हो लेकिन इसका जो इल्यूमिनेशन है ना कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छा है। कई और गाड़ियों में देखें हम जैसे कि बाउंस से कंपेयर कर लें हम तो उसके जो है ज़्यादा बेटर मुझे इसका इल्यूमिनेशन लगा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस मामले में। ये हेडलैम्प का इल्यूमिनेशन काफ़ी बढ़िया, जो LED सेटअप दिया है ना वो एकदम सही काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। मुझे एक्चुअली इसका जो हाई बीम है ना ज़्यादा ऊँचा नहीं है और वो यूज़ करने में काफ़ी एफिशिएंट लगता है मुझे, तो वो बढ़िया है, यूजेबल हाई बीम दिया होगा इसके अंदर। बाकी हमारे शहर में देखो ऐसे हाई बीम करके चलते हैं सब लोग, तो हाई बीम सही रहता है। तो हेडलैम्प के यार बढ़िया दिया गया है इसके अंदर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस गाड़ी का हेडलैम्प, और ऑब्वियसली यार हाईवे पे चलने के लिए नहीं है क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो 42-43 किलोमीटर पर आवर की, तो हाईवे पे तो मैं कहूँगा नहीं कि यार आप जाओ इस गाड़ी को लेके, वो भी रात को, और सिटी हाईवे जो होता है साइड लाइन वगैरह हाईवे की जो होती हैं वहाँ ऑब्वियसली आप डेली चलते हो सिटी के आसपास तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इल्यूमिनेशन आपको डिसेंट जो है मिल जाता है।
दोस्तों बात करें कुछ और फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको जो है क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिलता है। जी हाँ, क्रूज कंट्रोल की वजह से क्या होता है, आप जो है एक स्पीड पे आप जो है लॉक कर सकते हो और आप जो है आराम से चल सकते हो, एक हाथ को थोड़ा सा रेस्ट दे सकते हो। दोस्तों इस गाड़ी में आपको जो है वॉक मोड भी मिलता है जो कि काफी हेल्पफुल है। जब पंचर गाड़ी हो जाती है तो आप जो बटन को दबाएंगे, जो क्रूज कंट्रोल वाला बटन है वही वॉक मोड वाला बटन है। दोस्तों आपको बताते हैं हीरो ऑप्टिमा के वॉक मोड के बारे में। यहाँ पे जो है वॉक मोड का बटन दिया गया, इसको आप दबा के रखेंगे तो यहाँ पर जो है एक लाइट आ जाती है जिससे आपको पता लगेगा कि वॉक मोड में आया है या नहीं आया है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो है W लिखा हुआ आ गया है, तो मतलब कि ये गाड़ी जो है वॉक मोड में अब जो है लग गई है। और अब जो है मैं थ्रोटल दूंगा ना, तो इसकी स्पीड देखना, मतलब बहुत कम स्पीड में चलेगी ये गाड़ी, 2-3 मतलब गाड़ी जो है ना एकदम क्रॉल करेगी। तो ये जो है एक तरह से क्रॉल मोड या हम कहें वॉक मोड। बेसिकली इसका नाम वॉक मोड क्यों है, तो वो इसलिए क्योंकि जब गाड़ी जो है पंचर हो जाती है तो आप इस तरह से जो है आपकी गाड़ी को लेकर जा सकते हो, पैदल जो पैदल जो है चल सकते हो। अभी इसमें क्या है, एक लेवल तक ही स्पीड जाती है, उसके बाद जो है नहीं जाती है, तो जो है बढ़िया रहता है दोस्तों। क्योंकि आपको जब पंचर हो जाती है ना गाड़ी, तो आपको इस तरह का फीचर की बहुत जरूरत है, क्योंकि ज्यादा थ्रोटल देते हैं ना तो गाड़ी जो है आगे भागने लगती है। दोस्तों बात करें एक और चीज की जो कि मुझे इस गाड़ी में अच्छी लगी है, वो ये है कि इसमें आपको दो बैटरी तो मिलती है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया दो बैटरी वाला स्कूटर है, लेकिन इसमें आपको दो चार्जर भी मिलते हैं। तो अगर आपका मान लो एक चार्जर खराब हो गया तो टेंशन लेने वाली इतनी बात नहीं है, आप जो है बार बार शोरूम का चक्कर नहीं काटोगे या फिर स्टेशन का चक्कर नहीं काटोगे, वैसे इतना काटना नहीं पड़ता चक्कर वगैरह, लेकिन फिर भी दिमाग में टेंशन फ्री रहेगा कि यार एक चार्जर और है हमारे पास, तो उससे आप जो है गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि चार्जर जो है दो मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। मैंने JMT में भी देखा था, उसमें भी दो चार्जर आते हैं, इसमें भी दो चार्जर आपको मिल जाते हैं। लगभग हर दो बैटरी वाली गाड़ी में आपको दो चार्जर देखने को मिलते हैं, बस हीरो वीडा V1 में जो है नहीं मिलता है, उसमें आपको एक ही मिलता है, उसकी रेंज भी आजकल, चलो कभी और बात करेंगे, अभी हम जो है हीरो ऑप्टिमा के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताना आपके पास अगर ये गाड़ी है ना, तो आपको किस तरह का एक्सपीरियंस है इस गाड़ी का, आप मुझे शेयर कीजिएगा। और मैं जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ उससे आप सहमत हैं या नहीं, आप मुझे वो भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे रियल टाइम अपडेट जो आते रहते हैं। दोस्तों बात करते हैं रेंज के बारे में कि इस गाड़ी ने जो है रेंज कितनी दी है। तो दोस्तों 64.8 किलोमीटर जो है सिंगल बैटरी में गाड़ी चली है, मतलब मैंने इस गाड़ी को दो बैटरी आती है तो एक बार में एक बैटरी काम करती है, बाद में आपको दूसरी बैटरी को ऑन करना पड़ता है। तो मैंने एक बैटरी को पूरा फुल चार्ज करके डिस्चार्ज किया, उसमें ये गाड़ी चली है 64.8 किलोमीटर। अगर हम इसको जस्ट डबल कर दें, क्योंकि दो बैटरी आती है, तो यार 129.6 किलोमीटर की रेंज आपको मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया रेंज है। 129 मतलब यार कितना चलाओगे इस गाड़ी को 40 की स्पीड में, बहुत ही बढ़िया रेंज आपको मिल जाती है। और ऐसा जो परफॉर्मेंस में भी ड्रॉप नहीं आता, आपको जो है परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर, तो वो जो है काफ़ी अच्छी बात मुझे लगी है। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको जो है रेंज कितनी मिल रही है, अगर आप ओनर हो इस गाड़ी के तो कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको जो रेंज है किस तरह की मिल रही है, एक बैटरी में दो बैटरी में जो से भी आप यूज़ करते हो, कमेंट करके दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों जो अगला पॉइंट मुझे पसंद आया इस गाड़ी के अंदर, वो ये है कि इसके अंदर आपको जो है फुटरेस्ट मिल जाते हैं दोनों तरफ, जो कि प्लेन की राइड को जो है काफ़ी कंफर्टेबल बना देते हैं। तो फुटरेस्ट का होना इस गाड़ी में एक प्रैक्टिकल फीचर है जो कि काफ़ी अच्छा है। और बाकी प्रैक्टिकल चीज़ों की बात की जाए तो आपको जो है काफ़ी अच्छा स्पेस भी मिल जाता है बोतल रखने के लिए, सामान रखने के लिए। बूट स्पेस की बात की जाए तो बूट स्पेस में भी जो है आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बूट स्पेस की बात की जाए तो बूट स्पेस जो है आपको यहाँ से ओपन कर सकते हो, बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पर तो जो है दूसरी बैटरी आ जाती है, उसके बाद ये स्पेस बचता है, तो बूट स्पेस में काफ़ी आपको जगह मिल जाती है, सामान आप रख सकते हो। मैं यहाँ पर क्लिप लगा दूंगा, कुछ सामान जो है मैंने रख के देखा हुआ है, तो रोज़मर्रा का सामान आप जो है लेके आ सकते हो उसके अंदर। और अगर सिटी लाइफ में यूज़ करते हो तो सिंगल बैटरी रखते हो तो आपको जो है एक्स्ट्रा जगह मिल जाती है, तो यहाँ पर भी जो आप सामान वगैरह रख सकते हो। दोस्तों बात करें इसकी जो बैटरी है कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है फुल चार्ज होने के लिए, तो वो टेस्ट चल रहा है बेसिकली घर पे, अभी मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो वो जो है या तो मैं बाद में क्लिप डाल दूंगा या फिर यहाँ पे लिख दूंगा कि इतनी बिजली जो है ये खर्च करती है, तो वो चीज़ जो है आ जाएगी। तो उस बिजली में किस तरह की एफिशिएंसी उसके बारे में हम जो है बात कर लेंगे, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों उन पॉइंट के बारे में जो कि मुझे लगता है इस गाड़ी के अंदर इंप्रूव होने चाहिए, थोड़ा सा बेटर जो है और गाड़ी हो सकती थी अगर ये चीज़ें हो जाए इसके अंदर। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इम्प्रूवमेंट के बारे में, जो कि काफ़ी ज़रूरी है इम्प्रूव होना, वो कि जो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। जी हाँ, 140 mm का आपको जो है ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी कम है। सिटी एरिया में जो ब्रेकर आते हैं ना आजकल, तो काफ़ी ख़राब ब्रेकर आते हैं, खंभे भी खड़ी कर देते हैं लोग बड़े, अगर ब्रेकर पर आपको जो है गाड़ी नीचे से टच हो जाती है, काफ़ी जगह टच हो जाती है। अगर आपका जो नीचे से टच होने की प्रॉब्लम है कहीं, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर ब्रेकर बड़े बड़े हैं, तो आपको जो है ये नीचे टच होगी और टच होकर जो है आवाज़ वगैरह भी करने लग जाती है, तो ओबियस टच होगी तो आवाज़ तो करेगी, तो तभी तो पता लगेगा। तो दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसका इंप्रूव होना चाहिए, हर कहीं जो है ब्रेकर पर ये टच हो जाती है। तो 140 की जगह जैसे मैग्नस में 147 आता है, वो टच नहीं होती लेकिन ये टच हो जाती है, तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको इंप्रूव करना चाहिए। वैसे नीचे क्या है ना, ये पूरा कवर्ड है, आपको दिखाता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो है ना बेसिकली ये क्या है ना, पूरा नीचे से कवर्ड है,
तो टच जो है हो जाता है बेसिकली यहाँ से। तो ये जो है कवर्ड है वो अच्छी बात है, लेकिन टच होता है वो सही बात नहीं है। तो ये चीज़ जो है इसका इसमें जो है इंप्रूवमेंट आना चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस जो है थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए। मान लो 10 इंच का टायर होता है इसके अंदर तो और दिक्कत हो जाती है, 12 इंच का तो वो काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है। दोस्तों बात करें सेकेंड पॉइंट के बारे में, जो कि इंप्रूवमेंट क्या कहें। एक्चुअली इस गाड़ी को बनाने का जो मोटिव है ना वो ये है कि बेसिकली सिटी रन करे और आपको जो है रेंज ज़्यादा दे। उस हिसाब से मोटर में जो है कम पावर रखी गई है, लेकिन यार काफ़ी कम पावर है। अगर आप इसमें जो पीक पावर है 2.2 किलोवाट का होता तो काफ़ी बढ़िया रहता। फिर जो है रेंज आप तो 100 किलोमीटर तक देते यार, 130 किलोमीटर जो है एक्चुअल रेंज है इस गाड़ी की। 140 कंपनी बताती है, 130 जो है मैंने निकाली है। बाकी दोस्तों थोड़ी सी पावर और होती, थोड़ा सा एक्सीलरेशन अच्छा होता तो और भी जो है गाड़ी में मज़ा आ जाता। दोस्तों बात करते हैं तीसरे इंप्रूवमेंट की, जो कि इस गाड़ी के अंदर होना चाहिए। वो ये है कि इसका जो इंडिकेटर रीच है ना, जैसे कि आप देख सकते हो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। आपको जो है दिक्कत आती है इसको रीच करने में, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आई। जैसे कि मैं हाथ यहाँ रखा हुआ, इधर तो हो जाएगा लेकिन इधर करना थोड़ी सी इसमें इशू हो जाएगा। थोड़ा सा हाथ को जो है इधर करना पड़ता है, फिर जो है ये हो जाता है। और बात करें इधर की रीच की ना, तो यहाँ तो और भी ज़्यादा दूर है। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह आप जो है गाड़ी चलाते हो, लेकिन ये देखो तो ये जो है बट हालांकि रात को एक या दो बार ही काम आता है, लेकिन फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बटन पे जो है आपका अंगूठा पहुंचे बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी जो रीच है काफ़ी थोड़ा इस तरह की है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये चीज़ कैसी लगती है। बाकी ये चीज़ें जो है इंप्रूव होनी चाहिए। एक और चीज़ मुझे लगता है थोड़े से इंप्रूव होनी चाहिए, वो ये है कि वैसे तो इस पर जो है ईजिली हाथ पहुँच जाता है हॉर्न पर, लेकिन अगर ये वाला एरिया इधर होता तो बजाने में और भी ज़्यादा ईजी होता है। लेकिन ये भी जो है कम्फर्टेबल सिचुएशन आपको मिल जाए, लेकिन ये जो पॉइंट है ना आपको सुधारने चाहिए, थोड़ा सा सुधारना इसमें। इंडिकेटर स्विच और ये जो हेडलैम्प वाला बटन है इसमें इंप्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। बाकी जैसा कि आपको मैंने बताया इसमें आपको क्रूज कंट्रोल वॉक मोड मिल जाता है, रिवर्स मोड भी आपको मिल जाता है, तो ये जो है काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इसमें मिल जाती हैं। तो दोस्तों 200 किलोमीटर चलाने के बाद और 3 दिन इस गाड़ी को रखने के बाद कुछ ये जो है मुझे पॉइंट्स लगे कि मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। बाकी आप जो है ज़्यादा लंबे टाइम से बिल्कुल इस गाड़ी को ऑन कर रहे होंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा आपका जो है इस गाड़ी के साथ कैसा अनुभव है, आपको क्या क्या समस्याएं जो आती हैं। बेसिकली एक और इंप्रूवमेंट के बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये जो है ना ये बारिश में आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये ओपन है, इनको क्लोज होना चाहिए, तो थोड़ी क्वालिटी वगैरह जो है इंप्रूव होनी चाहिए। क्वालिटी में एक और मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे गैप है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो है थोड़ा सा गैप है, जैसे कि आप देख रहे हो ये जो है ना बाहर निकला हुआ है, तो थोड़ा सा क्वालिटी कंसर्न्स हैं थोड़ी सी। अगर 1 लाख रुपये की गाड़ी है तो यार थोड़े से क्वालिटी जो है इंप्रूव करना चाहिए हीरो को। तो मुझे लगता है थोड़ा सा और बेटर जो है क्वालिटी के मामले में इस गाड़ी को बनाया जा सकता है। आप कमेंट करना आपको जो है ये गाड़ी क्वालिटी के मामले में कैसे लगती है। इस गाड़ी के आप ओनर हैं तो कितना रिसेंटली जो है ये ब्रेक वगैरह हो जाता है, आप कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। आपका एक्सपीरियंस जो है जरूर शेयर कीजिएगा, वो जो है दूसरों को काफ़ी हेल्प करेगा। तो कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव बताना मत भूलिएगा जी हाँ, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जरूर कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो है पसंद आया होगा, और यहाँ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी जो है अपडेट आते रहते हैं। बाकी दोस्तों मिलेंगे फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, राइड हार्ड, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।